तो देख ले बेटा, तेरे को पता होगा थोड़ा। जैसा कि आप सबको मालूम है कि मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत सारी रिसर्चेस, थोड़ा उसको स्लो करना पड़ेगा, पटेगी होगा। मेंटल हेल्थ के ऊपर जो है बहुत सारा काम हो रहा है, बहुत सारी रिसर्चेस हो रही हैं, और किस तरह से एक ह्यूमन बीइंग का जो दिमाग है उसको स्वस्थ रखा जा सके और उसके ऊपर मेंटल हेल्थ डे आयोजित किया जाता है, जो कि 10 अक्टूबर को इसका आयोजन करते हैं। लेकिन हम उस 10 अक्टूबर के डे को हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। और जैसा कि आपको मालूम है कि आजकल का जो मॉडर्नाइजेशन का जो पीरियड है बड़ी फास्ट गति से चल रहा है, और हमारा जो दिमाग है वो भी फास्ट चलता है, तो हम चाहते हैं कि बहुत कुछ जो है हम कम समय में अचीव कर लें। तो उसकी वजह से और हमारी टेक्नोलॉजी और आजकल डिजिटलाइजेशन की वजह से स्ट्रेस जो है, साइकोसिस, न्यूरोसिस, साइजोफ्रेनिया, एंग्जाइटी, बर्नआउट, ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। तो किस तरह से हम अपने दिमाग को बैलेंस कर सकें, अच्छा कर रख सकें, ताकि कोई बीमारी ना हो। आजकल आप देखते हो न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट, साइकेट्रिस्ट डिपार्टमेंट, इतने डिपार्टमेंट खुल रहे हैं, तो ये सारा हमारा ब्रेन की डिसफंक्शनिंग की वजह से है। और हमारे बीच में आज राजेंद्र जोधपुरिया जी, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं और इन्होंने MA साइकोलॉजी किया हुआ है, गाइडेंस एंड उसमें जो है इनका डिप्लोमा है, और साथ में बहुत अच्छे काम के साथ ही जुड़े हुए हैं कि तरह तरह की जानकारी मेंटल हाइजीन पे, मेंटल हेल्थ पे देते हैं, जो कि आज का हमारा जो थीम है कि मेंटल हेल्थ इज ए यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। और ख़ास करके ये जो है जो मेंटल हेल्थ से जुड़ी हुई जितनी समस्याएं हैं, डिप्रेशन है, न्यूरोसिस है, जो है साइकोएनालिटिकल चीज़ें हैं, और जो है साइजोफ्रेनिया है, बर्नआउट है, इनके बारे में आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी देंगे, ताकि आप लोग अपने जो है दिमाग को अच्छे से जो है मेंटेन कर सको। मैं डॉक्टर जयप्रकाश, जो कि प्रिंसिपल जी सी डी कॉलेज ऑफ एजुकेशन से मुख्य अतिथि के रूप में उनको मैं अनुरोध करूँगा कि वो हमारे आए हुए मेहमान का वेलकम करें। डॉक्टर जयप्रकाश प्लीज़। सबसे पहले हेलो, इसको हिलाना भी नहीं है ना। सबसे हेलो हेलो, सबसे पहले मैं आज के इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता जो हमारे बीच में अभी पधारे हैं, प्रोग्राम तो कल का था ये, लेकिन आज इसको प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है मेंटल हेल्थ के बारे में, राजेंद्र जी आपके बीच में हैं, इनके लिए एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें, क्योंकि इन्होंने मुझे एक किताब भेंट की थी, मैंने उसको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा, और व्यक्तिगत रूप पर भी मैंने इनसे काफ़ी चीज़ें शेयर की, और जो डेलिब्रेशन किया हमने दोनों ने मेंटल हेल्थ के बारे में, वो वाकई में ही बहुत ही चिंता का विषय है। आज हम सभी कहीं ना कहीं किसी न किसी बात को लेकर के बहुत चिंतित हैं, और सबसे बड़ा जो चिंता का विषय है वो हमारा, अभी तक हमने साइंसेज जो पढ़ी हैं उसमें हमने 4-5 पोल्यूशन पढ़े हैं, एयर पोल्यूशन पढ़ा है हमने, नॉइज़ पोल्यूशन पढ़ा है हमने, वाटर पोल्यूशन पढ़ी है, इसके अलावा वेस्ट पोल्यूशन, ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं, बट एक माइंड पोल्यूशन है वो हमने कहीं नहीं पढ़ी। जो प्रदूषण जो दिमाग का है, जो दिमागी तौर पर हम कहीं ना कहीं प्रदूषित होते जा रहे हैं, और उसका वजह एक ही है कि हमारा वातावरण है, जो उस वातावरण में जो खान पान है हमारा, और जो हमारी सोच क्षमता है, जो विचार है हमारे, वो कहीं ना कहीं प्रदूषित होते जा रहे हैं। उसी विषय के ऊपर कि जो हमारा दिमागी तौर पर हम स्वस्थ रहें उसके बारे में आपको जानकारी देंगे, और डिप्रेशन क्या है, किस तरह से हम छोटी छोटी बातों को लेकर के बड़े ही मानसिक रूप से कहीं ना कहीं विचलित हो जाते हैं, और उसको फिर हम
कहीं ना कहीं से अपनी जिंदगी पर उसको लिंक कर जाते हैं, क्योंकि सफलता अगर आपको मिलती है तो आप मोटिवेट होते हो, और असफलता हमेशा डिप्रेशन की तरफ जाती है। और आज के समय में बेरोजगारी जो समस्या है सबसे बड़ी, रोजगार ना मिलना बच्चे को और जो अपॉर्चुनिटी ना मिलना स्टूडेंट्स को, वो एक सबसे बड़ा मेंटल जो हेल्थ है आपकी, जो दिमागी तौर पर आप कहीं दूषित होते जा रहे हो या कहीं ना कहीं उसका प्रभाव आपके जो हेल्दी माइंड के ऊपर पड़ता है, उसके बारे में विस्तार से जानकारी आपको देंगे। और बीइंग ए मेडिकल स्टूडेंट, मैंने भी ये नर्वस सिस्टम के बारे में बहुत अच्छी जानकारियाँ हासिल की हैं और स्टडी भी किया है, रिसर्च भी किया है इसके ऊपर, कि हमारा जो पोर्शन है अनकॉन्शियस और कॉन्शियस आप साइकोलॉजी में पढ़ते हो, और ख़ासकर जो राजेंद्र हैं वो साइकोलॉजिस्ट हैं बेसिकली, और ये साइकोलॉजी को कहीं ना कहीं आपके गीता के उपदेश हैं जो, उससे कहीं ना कहीं ये जोड़ते हैं, जो उसमें बातें कही गई हैं उसको कहीं ना कहीं उससे लिंक करके बहुत अच्छे ढंग से उसको एक्सप्लेन करते हैं। और बच्चों का मुझे पूरा विश्वास है इनके लेक्चर के बाद आप ज़रूर समझ पाएंगे कि मेंटल डिप्रेशंस क्या हैं, हम डिप्रेशन की तरफ क्यों जा रहे हैं, उससे हम कैसे निदान पा सकते हैं। तो मैं अपनी बात को, क्योंकि आज हमारा सुनने का समय हमारे एक्सपर्ट का है, और मेरा तो एक इतना कर्तव्य था कि आज मैं अपने जो मुख्य हमारे वक्ता हैं उसको कॉलेज पहुंचने पर मैं पूरी मैनेजमेंट की तरफ से और सभी स्टूडेंट की तरफ से, क्योंकि इनकी इच्छा थी कि भाई ऑडिटोरियम भरा हुआ होना चाहिए, और आज आपने ऑडिटोरियम भर दिया, तो ये सारा श्रेय हमारे यहाँ की फैकल्टी और जो इस प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर हैं मिस्टर मदन जी, जो दिन रात लगे हुए हैं इसमें, कई दिन से इसके पीछे थे कि भाई मैं इस प्रोग्राम को अच्छे ढंग से कराऊं। और मेरी आगे भी विनती, मैं अभी मीटिंग है मेरी, उसमें प्रिंसिपल बाकी कॉलेज के भी बैठे हैं वहाँ पे, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा, जो इनकी खुद की रिक्वेस्ट थी कि सर ये हमारा एजुकेशन कॉलेज के बाद मुझे दूसरे कॉलेज में भी अपॉर्चुनिटी दी जाए, तो जो आज हमारा फीडबैक होगा यहाँ से, जो बच्चों की फीडबैक आएगी उसके बेस पर हम इंश्योर करते हैं आपको कि ज़रूर हम बच्चों के सामने आपकी जो वाणी है, जो आपका एक्सपर्टाइजेशन है जो इस फील्ड की तरफ, वो मुझे पूरा विश्वास है कि बच्चे उससे लाभान्वित होंगे। तो एक बार फिर से मैं पूरी टीम को और ख़ासकर हमारे जो श्रोता हैं, क्योंकि ज़िंदगी में सबसे बड़ी जो बात है वो सुनना, बहुत एक कला जिसको आप कह सकते हो, स्किल कह सकते हो, क्योंकि बीएड के बच्चों में वो सहन करने की, सुनने की अक्षमता जहाँ पर होती है वो दूसरे कोर्सेज में बहुत कम मिलती है, क्योंकि हम यही सीखते हैं कि एज ए अच्छे टीचर भी बने आप अच्छे वक्ता भी हों और अच्छे श्रोता भी हों। तो आप एक अच्छे श्रोता बन करके बातों को जो भी आपके सामने रखी जाएंगी बहुत ध्यानपूर्वक आप सुनेंगे। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत यहाँ पहुँचने पर राजेंद्र जी आपका बहुत बहुत आपका स्वागत भी है, अभिनंदन भी है, और पूरी विद्यापीठ की तरफ से आपको शुभकामनाएँ। आप इसी तरह से इसी फील्ड में और आगे बच्चों को इसी तरह से लाभान्वित करते रहें। थैंक यू। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद ना आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा, आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब, भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।